हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं IEX यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के बारे में। आज की इस वीडियो में आपको यहां पे सारे डाउट क्लियर होते हुए नज़र आ जाएंगे। यहां पे अगर आप देखोगे गिरावट का सिलसिला जारी है, उसमें आपको क्या करना चाहिए, क्या बोनस के बाद अब इसमें आपको कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिलेगी या फिर यहां से कुछ स्कोप नज़र आता है अपसाइड मूवमेंट का, बहुत बड़े टारगेट्स निकल के आ रहे हैं वो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूं कि आप किन टारगेट्स को यहां पे लेके चल सकते हो फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम और फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आपने IEX में इन्वेस्टमेंट किया है या फिर आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो तो। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, अब आपको अपने डीमैट में कुछ ऐसा सिनेरियो देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे आपकी क्वांटिटीज भी अब 2:1 के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो गई होगी, आपका जो टोटल वैल्यू होगा वो भी यहाँ पे आपको एडजस्ट होते हुए नज़र आ गया होगा और जो भी आपका लॉस था जो बोनस के बाद आपको दिखा रहा था करीबन 60% के आसपास, वो भी अब यहाँ पे आपका एडजस्ट हो गया होगा अकॉर्डिंगली, जो भी आपको प्रॉफिट होगी या फिर जो भी आपका एवरेज प्राइस होगा उसके अकॉर्डिंग। तो कुछ ऐसा सिनेरियो आपको अपने डीमैट में देखने को मिल रहा होगा आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ द बोनस शेयर। लेकिन अभी भी अगर आपको ऐसा सिनेरियो नहीं देखने को मिल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में एक बारी मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं वहां पे आपको हर एक पॉसिबल सॉल्यूशन बता दूंगा। सो दैट अगर आपके अकाउंट में अभी तक एडजस्टमेंट नहीं हुई है तो आपको क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं वो अपनाने चाहिए और अपने डीमैट को ऐसे एडजस्ट करने चाहिए, तो आप कॉमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। आज के मार्केट सिनेरियो के बारे में बात करें तो मार्केट में आज आपको गिरावट देखने को मिली है। ओमिक्रॉन वायरस से फर्स्ट डेथ भी आपको रिपोर्टेड होते हुए नजर आ गई है US में, जिसकी वजह से थोड़े बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट्स फिर से आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं। सेंसेक्स में करीबन 166 पॉइंट्स, निफ्टी में करीबन 43 पॉइंट्स, निफ्टी बैंक में करीबन 31 पॉइंट्स और निफ्टी मिड कैप में करीबन 58 पॉइंट्स की गिरावट आज के मार्केट सिनेरियो में आपको देखने को मिली है। वहीं अगर हम बात करें IEX के बारे में तो आज करीबन 2% की गिरावट आपको यहाँ पे देखने को मिली है, 279 के आसपास ये शेयर आज आपको क्लोज होते हुए नजर आया है मार्केट में। इसमें अगर आप कल भी देखोगे तो कल भी आपको यहाँ पे नेगेटिविटी देखने को मिली थी, आज भी अगर आप देखोगे तो आज भी आपको यहाँ पे नेगेटिव मूवमेंट देखने को मिला है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको 11% से ज़्यादा के रिटर्न्स एक महीने के अंदर अंदर देखने को मिल रहे हैं। वहीं ओवरऑल अगर अभी देखो जो हाईएस्ट पॉइंट है उससे काफ़ी ज़्यादा नीचे के पॉइंट पे ये शेयर आपको ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है, करीबन 17.47 के परसेंटेज के अकॉर्डिंग नीचे अभी मूव करते हुए नज़र आ रहा है। तो इतना तो डेफिनेटली स्कोप आपको यहाँ पर सीधा सीधा नज़र आता है कि ये स्टॉक इस तक जा चुका था और अगर इसमें कोई अच्छा मूवमेंट आता है तो यहाँ से इतने परसेंट का रिटर्न तो आपको ईजिली मिल सकता है। अब मैं आपको डायरेक्टली मुद्दे की बात पर बताता हूँ कि आखिर आप शॉर्ट टर्म पीरियड में और लॉन्गर पीरियड ऑफ टर्म में क्या क्या जो टारगेट्स हैं वो आप लेके चल सकते हो IEX में। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे प्रॉपर रिपोर्ट आपके सामने नज़र आ रही होगी। द वीकली चार्ट ऑफ IEX इंडिकेट्स दैट द स्टॉक हैज़ बीन ट्रेडिंग इन अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड एंड हैज़ मेंटेन इट्स मोमेंटम विद इन द राइजिंग पैराबोलिक चैनल। रिपोर्ट एक दो दिन पहले की है लेकिन आप यहाँ पर देख पा रहे होगे जब IEX में अच्छा मूवमेंट था करीबन 9% के आसपास भी एक दिन के अंदर उछाल आया था, तब उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया था कि एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग आपको यहाँ से अपसाइड ट्रेंड देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इन्होंने जो सपोर्ट लेवल बताया था और मैंने भी आपको एक वीडियो के थ्रू बताया था कि अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हो 235 का, क्योंकि जो स्टॉक है उसका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 235 का निकल के आता है। तो आप इस पर्टिकुलर लेवल को एज अ स्टॉप लॉस भी लेके चल सकते हो अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हो। अगर आप लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर हो तो आप स्टॉप लॉस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं बनती। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसमें कोई अच्छा खासा मूवमेंट अगर 2-3 बारी आ जाता है जो कि आपको 2-3 दिन के बाद देखने को मिल सकता है जैसी सारी एडजस्टमेंट हो जाती है, तो शेयर का जो फर्स्ट टारगेट रहने वाला है वो रहने वाला है 400 रुपये का। जो शेयर आपको 280 के आसपास दिखाई दे रहा है एक महीने के अंदर अंदर अगर आप देखोगे तो ये आपको 400 रुपये तक जाते हुए नज़र आ सकता है, यानी कि 120 रुपये का मूवमेंट आपको
आने वाले 1-2 महीने के अंदर अंदर देखने को मिल सकता है। काफ़ी अच्छे खासे टारगेट हैं शॉर्टर पीरियड ऑफ टर्म के। वहीं अगर मैं बात करूँ लॉन्गर पीरियड ऑफ टर्म का, तो डेफिनेटली आप इसको होल्ड करो। और ये जो शेयर है जो बोनस से पहले आपको 750 से 800 के बीच में ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा था, डेफिनेटली वो लेवल्स भी बहुत जल्दी अचीव हो सकती हैं अगर इसमें नॉर्मल थोड़ी सी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है तो। अब यहाँ पे अगर आपने लॉन्गर पीरियड ऑफ टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, इसको आप इजीली होल्ड कर सकते हो। और यहाँ से जो कंपनी का बैकग्राउंड निकल के आता है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। कंपनी की जो बिजनेस है उसमें भी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। कंपनी का जो एनर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसमें भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करीबन 54% का वॉल्यूम में इंक्रीमेंट है। तो डेफिनेटली आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि किस अकॉर्डिंग ग्रोथ है इस पर्टिकुलर स्टॉक के बिजनेस में। वहीं अगर मैं आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रेंड्स दिखाऊं, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक शार्प इंक्रीज नज़र आ रहा है, जो कि आपको रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट दोनों ही चीज़ों में नज़र आ रहा है। जो शेयर 2018 में 131 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा था, वही कंपनी अगर आप देखोगे 2021 में 206% के अराउंड नेट प्रॉफिट जनरेट करती हुई नज़र आ रही है। तो 2018 से 2021 के अंदर अंदर ही डबल के आसपास आपको यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि कितनी ज़्यादा शानदार ग्रोथ इस पर्टिकुलर स्टॉक में आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम यहाँ पर बात करें इसके चार्ट पैटर्न के बारे में, कैंडलस्टिक चार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, प्लस 20 डेज का मूविंग एवरेज मैंने ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 दिन से आपको नेगेटिव जो रेड इंडिकेशन है वो देखने को मिल रहा है, प्लस 1.9% का जो अच्छा खासा मूवमेंट आया था वो आपको ग्रीन स्टिक में देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से अगर आप देखोगे जब भी ये शेयर जो 20 डेज मूविंग एवरेज के आसपास आता है वहाँ से एक बाउंस बैक आपको देखने को मिल रहा है, आप यहाँ पे देख ही पा रहे होगे। तो यहाँ से हो सकता है 1-2 दिन और थोड़ी सी आपको गिरावट देखने को मिले, लेकिन जैसे ही ये स्टिक आपको इस पर्टिकुलर ग्राफ पे देखने को मिलेगी, यहाँ से ये शेयर बाउंस बैक मारेगा और इसका जो इंस्टेंट आपका टारगेट देखने को मिल रहा है 400 रुपये का, वो अचीव करने का पूरी तरीके से ये शेयर ट्राई करने वाला है। टेक्निकल फैक्टर्स में थोड़ा बहुत आप रिलाई कर सकते हो, और जो पैटर्न इस शेयर ने बहुत बारी दिखाया है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम दिखाया, आप देख ही पा रहे होगे कि जब भी 20 डेज पे आता है स्टिक्स बनती हैं, बाउंस बैक आपको देखने को मिलता है। तो आप ये पैटर्न फॉलो कर सकते हो, क्योंकि हर एक स्टॉक कुछ ना कुछ पैटर्न फॉलो करता है और वो कॉन्टिन्यूसली आपको देखने को मिलता है। तो मैंने यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट होता है आप वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, जिससे मैं आपके डाउट को ट्राई करूँगा जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने का। आई होप आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।